God chose that moment. लेकिन परमेश्वर ने उस पल को चुना. And the presence of God came. और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई. I saw Jesus. मैंने यीशु को देखा. 3 hours I saw him. 3 घंटे तक मैं उसे देखता रहा. जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साक्षात दर्शन किए डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण ने. वह घटना कैसे हुई और यीशु मसीह के दर्शन मिलने के बाद उनके जीवन में कौन से शक्तिशाली बदलाव आए, उनकी सेवकाई में, उनके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार की आशीषें उनको प्राप्त हुई, इन सारी बातों का विवरण आपको इसी गवाही में मिलने जा रहा है. मेरे चैनल पर यानी कि सोजो थॉमस यूट्यूब चैनल पर यह डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण की गवाही का दूसरा भाग है. यह गवाही कुल मिलाकर 3 भागों में आनी है. पहला भाग आ चुका है, यह दूसरा भाग आप सुन रहे हैं और इस वीडियो के बाद एक और भाग रिलीज होगा, अपलोड होगा यूट्यूब पर. वह तृतीय भाग होगा डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण की गवाही. इसलिए अगर आपने डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण की गवाही का प्रथम भाग नहीं सुना है तो आपसे विनती है कि आप पहले जाकर प्रथम भाग को सुन लेवें, उसके बाद द्वितीय भाग को सुन, तब आपको यह गवाही और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और आपके आत्मिक जीवन की आशीषों का कारण हो. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भागों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या पिन कमेंट में आप चेक कर सकते हैं. पिछली गवाही में हमने देखा था कि डीजीएस दिनाकरण को परमेश्वर का वचन अध्ययन करके, बाइबल का अध्ययन करके यह बात विदित हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात करने वाला परमेश्वर है. एक साधारण मसीही जीवन नहीं जीना चाहते थे वो, इसलिए वो प्रभु से 7 साल तक प्रार्थना करते रहे, प्रभु मैं एक साधारण मसीही जीवन नहीं जीना चाहता, एक मुर्दा मसीही जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे ऐसा मसीही जीवन दो जो मूसा के समान हो, जो एलिया के समान हो, जो प्रेरितों के समान हो, मेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम होने चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करें. ऐसी प्रार्थना वो करने लगे और 7 वर्षों तक प्रार्थना करते रहे. 7 वर्षों बाद अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां पर प्रभु के एक दास पास्टर लमुएल दिनाकरण से मिलने आए हैं, उनके घर में उनके लिए प्रार्थना करने आए हैं. और पास्टर लमुएल अच्छे से जानते हैं कि भाई दिनाकरण 7 सालों से प्रभु की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. और इसलिए पास्टर लमुएल ने दिनाकरण से कहा, तुम मत चिंता करो भाई, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आए हैं. और दिनाकरण पास्टर लमुएल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घुटनों में बैठकर रात्रि की पारिवारिक प्रार्थना में हमेशा की तरह शामिल हुए. भाई दिनाकरण के घर में रात्रि पारिवारिक प्रार्थना रोज हुआ करती थी और उस रात्रि पारिवारिक प्रार्थना के दौरान भाई दिनाकरण बहुत थकावट महसूस करने लगे. उन्होंने जब पास्टर लमुएल को यह बताया कि पास्टर जी मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, अपने शरीर में प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, तब पास्टर लमुएल ने भाई दिनाकरण के कंधे पर, पीठ पर हाथ रखा और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इसे शक्ति दो. आगे क्या हुआ चलिए इस गवाही में सुनते हैं. दिनाकरण अपने परिवार के साथ जब प्रार्थना में यहाँ बैठे हुए थे, जैसे ही पास्टर लमुएल ने उनको स्पर्श किया, वैसे ही दिनाकरण, डीजीएस दिनाकरण अपनी गवाही में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य उपस्थिति उनके कमरे में आ गई. पूरा कमरा प्रभु यीशु मसीह की दिव्य उपस्थिति से भर गया. दिनाकरण ने महसूस किया कि कुछ बहुत मीठा और ताजगी से भरा हुआ ठंडे जल की दिव्य धारा सा महसूस हो रहा है, जो उनके सोल को, उनके प्राण को तृप्त कर रहा है. उनका पूरा शरीर तरोताजा होने लगा. एक ताजे गुलाब की तरह दिनाकरण महसूस करने लगे और दिनाकरण ने इस अद्भुत अनुभव और इस अद्भुत एहसास में प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु ये ताजगी कहाँ से आ रही है, ये शीतलता, ये अद्भुत एहसास कहाँ से आ रहा है. तब प्रभु ने जवान दिनाकरण की आंखें खोल दी और उन्होंने देखा कि पूरा कमरा दिव्य स्वर्गीय रोशनी से दैदीप्यमान है, प्रकाशित है. छत से एक स्वर्गीय रोशनी आ रही है. जब दिनाकरण ने उस रोशनी की ओर ध्यान से देखा तो वहां उन्हें परम तेजोमय, अत्यंत महिमावान, महान, पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व नजर आया. प्रभु यीशु मसीह नजर आए और उन्होंने उस महिमामय प्रभु की सामर्थ्य, मीठी अद्भुत वाणी को सुना और उस वाणी ने कहा, मैं यीशु मसीह हूँ, क्योंकि तूने मुझे सच्चाई के साथ ढूंढा है मेरे बेटे, मुझे खोजा है अपने संपूर्ण हृदय से, इसलिए आज मैं स्वयं तुझे आशीष देने आया हूँ.
और उसी क्षण डीजीएस दिनाकरन का हृदय महान आनंद से भर गया। उनके हृदय में आनंद की भरपूरी उमड़ने लगी। दिनाकरन आनंद से हंसने लगे। डीजीएस दिनाकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उस वाणी को सुनकर उनका हृदय, उनकी आत्मा, उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व आनंद से परिपूर्ण हो गया। वह आनंद हंसी के रूप में बाहर आने लगा। 3 घंटे तक यह अद्भुत दर्शन जारी रहा। डीजीएस दिनाकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने डीजीएस दिनाकरन को यह बताया कि कब कब पिछले 7 वर्षों में तुमने प्रार्थना की है। एक एक दिन प्रभु को याद था, एक एक सेकंड प्रभु यीशु मसीह को याद था जब डीजीएस दिनाकरन ने प्रार्थना की। और प्रभु ने डीजीएस दिनाकरन से कहा, कल रात तूने कहा था कि हे प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे, अन्यथा मैं ऐसी कमजोर मसीही जीवन को नहीं जीना चाहता। यह साधारण मसीही जीवन नहीं जिया जाता प्रभु। यह प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्मरण दिलाई। कितने आश्चर्य का विषय है कि जब डीजीएस दिनाकरन को लग रहा था कि शायद 7 वर्षों में प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु यीशु मसीह एक एक प्रार्थना को जो दिनाकरन ने की थी स्मरण दिला रहे थे। इसका मतलब ये है, भले ही आपको ऐसा लगे प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वास्तव में वह जानता है। आपकी एक एक प्रार्थना का हिसाब उसके पास है। इसलिए प्रार्थना करने में कभी हिम्मत मत हारिएगा। डीजीएस दिनाकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने डीजीएस दिनाकरन से कहा कि मेरे बेटे, मेरे प्रेम और करुणा के बारे में इस संसार ने सिर्फ सुना है, लेकिन तेरे जीवन के द्वारा उस प्रेम और उस करुणा को ये दुनिया देख पाएगी। आज मैं तुझे अपनी प्रेम और करुणा से भरने जा रहा हूँ। जब जब तू उस करुणा से भर के, उस प्रेम से भर के मेरे लोगों के लिए कुछ मांगेगा, वह उसी समय हो जाएगा। आज मैं तुझे अपनी प्रेम और करुणा की आत्मा से भरने जा रहा हूँ मेरे बेटे। और डीजीएस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही यह कहा तो डीजीएस दिनाकरन ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराए और उनके करीब आते गए। और दिनाकरन को ऐसे लगा कि जैसे उनके हृदय का कोई दरवाजा खुल गया हो और उस दरवाजे के भीतर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर गए। यह अनुभव जब समाप्त हुआ तो सुबह के 1 बज रहे थे, दोपहर के नहीं परन सुबह के 1 बज रहे थे। डीजीएस दिनाकरन बताते हैं कि उन्होंने जो पारिवारिक प्रार्थना प्रारंभ की थी वो रात में 9:30 बजे शुरू की थी। और यह सब अनुभव समाप्त होने के बाद घड़ी में मध्य रात्रि कहूं या सुबह 1:15 हो रहे थे, 1:15 AM। इन 3 घंटों में जब दिनाकरन प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह दिनाकरन से बात कर रहे थे, तब उनके परिवार के लोग क्या कर रहे थे, यह बड़ा आश्चर्य का विषय हो सकता है हमारे लिए। पवित्र आत्मा की ऐसी उपस्थिति वहां हुई, स्वर्गीय सामर्थ्य ऐसी हुई कि उनका पूरा परिवार आत्मा में भर गया और वहां से हिल ना सका। और वे जानते थे कि दिनाकरन को एक स्वर्गीय दर्शन प्राप्त हो रहा है। जब इस दर्शन के बाद डीजीएस दिनाकरन के पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा आखिर क्या हुआ, डीजीएस दिनाकरन बताते हैं कि वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक पेपर में पेन से लिख कर बताया कि पिताजी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मैंने प्रभु के साक्षात दर्शन किए हैं पिताजी। उस दर्शन के बाद, इस घटना के बाद डीजीएस दिनाकरन के जीवन में 2 बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव यह था कि जब भी डीजीएस दिनाकरन प्रार्थना करते थे, प्रभु की सामर्थ्य उपस्थिति तुरंत वहां पर उपस्थित होती थी। जैसे ही डीजीएस दिनाकरन प्रार्थना करते थे, कहीं भी कभी भी प्रभु की सामर्थ्य उपस्थिति आती थी, प्रभु का प्रेजेंस वहां आ जाता था। दूसरा जो बड़ा बदलाव डीजीएस दिनाकरन ने अपने जीवन में देखा वह था वह करुणा जो उनके हृदय में उत्पन्न हो रही थी। जब वह लोगों को तकलीफों में देखते थे, जब वो प्रभु के लोगों को प्रार्थना में रोते हुए देखते थे, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती थी। यह करुणा दिव्य करुणा थी। डीजीएस दिनाकरन बताते हैं कि इस दर्शन के बाद उनके प्रार्थना जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। जब वो प्रार्थना में बैठते थे, कई बार 8 से 10 घंटे हो जाते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि बस 5 मिनट ही तो हुए हैं,
प्रभु से बात करते हुए। ऐसे प्रेम से भर गया था वो यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को ताकता रहता था, प्रभु से बात करता रहता था। 8 से 10 घंटे बीत जाते थे प्रार्थना में, उसे पता ही नहीं होता था। और जब वह प्रार्थना में इतने लंबे समय बिताने लगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में वह प्रभु की बाट जोहने लगा, उसके बाद वो जब लोगों से मिलता, लोगों को यह महसूस होता था कि एक बड़ी सामर्थ्य उन्हें स्पर्श कर रही है। डीजीएस दिनाकरन बताते थे कि जब वो लोगों से मिलते तो एक ऐसी अद्भुत करुणा इनके हृदय को भर देती थी, जैसे कि मत्ती 9 और उसके 36 में लिखा हुआ है, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वह तरस से भर गया। मत्ती 14 और 14 में लिखा हुआ है, यीशु तरस से भर गया और सबको चंगा किया। मत्ती 15 और 32 में लिखा हुआ है, भीड़ को देखकर वह तरस से भर गया। मत्ती 20 और 34 में लिखा हुआ है, अंधे की पुकार से प्रभु यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। मरकुस 1:40 में जैसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी को देखकर तरस से भर गया। मरकुस 6:34 में, लूका 7:13 और 14 में, विधवा के आंसू को देखकर जिसका इकलौता बेटा मर गया था, यीशु का हृदय तरस से भर गया। वैसे ही एक तरस को डीजीएस दिनाकरन अपने जीवन में देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे प्रभु यीशु मसीह के हृदय को। प्रार्थना और करुणा से भरा हुआ हृदय के साथ जब वह गलियों में जाकर प्रचार करता था तो लोग खींचे चले आते थे। डीजीएस दिनाकरन बताते हैं कि जब वह छोटे झुंडों में जाकर और कलीसियाओं में जाकर, गलियों में जाकर, सड़कों में जाकर प्रचार करते थे, लोग इकट्ठा होने लगते थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हों उनसे। उनका हृदय पिघलने लगता था, प्रभु की आवाज सुनकर उन सबको एहसास होता था कि कुछ तो अद्भुत बात है इस व्यक्ति में, कुछ तो अलग है इस व्यक्ति में। डीजीएस दिनाकरन का कहना था कि जब एक मसीही व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाता है तब प्रभु उसे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर आप अपने जीवन में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में ऊंचे स्थानों पर जाना चाहते हैं तो अपने आप को नम्र बनाने को तैयार रहिए। डीजीएस दिनाकरन जितना ज्यादा प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाते जाते थे, प्रभु उन्हें स्वर्गीय दर्शनों से भर देता था। उनको ऐसे ऐसे स्वर्गीय दर्शन प्राप्त हुए जिसने आधुनिक मसीही जगत को हिलाकर रख दिया। आप उनके स्वर्गीय दर्शनों की किताब को अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, लिखा है। आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके उनकी स्वर्गीय दर्शनों की किताब को खरीद सकते हैं। डीजीएस दिनाकरन ने एक बार कहा था जॉर्ज मुलर के विषय में कि जब जॉर्ज मुलर से पूछा गया कि आपके अलौकिक विश्वास का रहस्य क्या है, आपके सुपर नेचुरल फेथ का रहस्य क्या है, तब जॉर्ज मुलर पृथ्वी पर, भूमि पर गिर गए, धरती पर गिर के कहने लगे। एक समय जॉर्ज मुलर भरा हुआ था, लेकिन जॉर्ज मुलर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने खाली कर दिया। सच में अपने आप को खाली करने वाले, अपने आप को नम्र करने वालों को प्रभु ऊंचा उठाता है। इस चैनल में बहुत ही जल्दी जॉर्ज मुलर की गवाही आएगी, उसके साथ साथ और भी कई गवाही आएंगी। बेनी हिन, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, डॉक्टर पॉल योंगीचो, गुलशन एस्तर, डी जॉन रविंद्रनाथ, कैथरीन कुलमैन, भाई भक्त सिंह, वॉचमैन नी, मदर टेरेसा, बिली ग्राहम, गिडियंस इंटरनेशनल, VS अजरिया, स्मिथ विगल्सवर्थ, पंडिता रामाबाई, DL मूडी, हडसन टेलर, डेविड लिविंगस्टन, फैनी क्रॉसबी, TL ऑसबॉर्न, विलियम कैरी, जॉन वेस्ले, जॉन बनियान, नबील कुरैशी, बिशप आमोस सिंह, अंकुर नारुला, सूरज प्रमाणिक, जॉयल ऑस्टीन, जॉन मैकआर्थर, जॉन पाइपर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, चार्ल्स स्टैनली, इज़ेकिया फ्रांसिस, साधु सुंदर सिंह, पास्टर पॉल तंगैया, पास्टर PS सैमुअल, कैप्टन AM सैमुअल, ऐसे और भी परमेश्वर के दास दासियों की जिंदा गवाही लेकर आता रहूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी सामर्थी अद्भुत गवाही आपसे मिस ना हो जाए। डीजीएस दिनाकरन ने एक ऐसी चाबी अपने एक सरमन में बताई थी जिसके द्वारा सेवकाई से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में हम अद्भुत ब्लेसिंग्स को देख सकते हैं। वह चाबी क्या है वो इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करने के बाद, प्रार्थना जीवन में अद्भुत क्रांति देखने के बाद, डीजीएस दिनाकरन अपने मन में सोचने लगे कि अब इससे आगे और क्या हो सकता है। और जब वो ये सब सोच ही रहे थे तभी उनके साथ एक अद्भुत घटना हुई, एक अजीबोगरीब घटना हुई। वह घटना क्या है ध्यान से सुनिए। एक बार डीजीएस दिनाकरन अपने पिताजी और कुछ पासवानों के साथ एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गए जो एक जवान लड़का था और मरने की स्थिति में था, और उसको मरता हुआ देखकर उसके साथ के पासवानों ने यह प्रार्थना करनी शुरू की कि प्रभु इस व्यक्ति को एक अच्छी मृत्यु दे दे, इसे ज्यादा तड़पने मत दे और इसे अपने पास बुला ले।
तब डीजीएस दिनाकरन को बड़ा गुस्सा आया। अंदर ही अंदर वो एक अग्नि से जलने लगे और कहने लगे, प्रभु ऐसा मसीही जीवन क्यों है हमारा? मैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ? बोल्ड फेथ क्यों नहीं है प्रभु कि मैं इस जवान को यह कह सकूं, यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा? क्यों नहीं कह पा रहा हूँ प्रभु? ऐसा भाव दिनाकरन के अंदर आ गया और डीजीएस दिनाकरन रात दिन सोचने लगे कि आखिर मैं उस बीमार व्यक्ति को जो मरणासन्न था क्यों चंगा होने की घोषणा नहीं कर पा रहा था? क्यों मेरे पास वो बोल्ड फेथ नहीं है? उसने कहा, प्रभु अमेरिका में ओरल रॉबर्ट्स, टीएल ऑसबोर्न जैसे परमेश्वर के कितने ऐसे दास हुए हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। तो जब आधुनिक संसार में, पश्चिमी जगत में यह हो सकता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है प्रभु? कहकर रोने लगा प्रभु के सामने डीजीएस दिनाकरन। और डीजीएस दिनाकरन जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे, प्रभु भारत में ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं है? क्यों कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन के द्वारा, जिसकी सेवकाई के द्वारा वो सारे कार्य प्रकट हो जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में होते थे? क्यों बीमार चंगे नहीं हो रहे? क्यों मुर्दे जिलाए नहीं जा रहे? क्यों अंधों को दृष्टि नहीं मिल रही? क्यों लंगड़े चल नहीं पा रहे? क्यों दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को मेडिकल इशू है बोलकर छोड़ दिया जाता है? प्रभु क्यों मेरे भारत देश में ये नहीं है प्रभु, कहकर प्रार्थना करने लगे। तब उनको एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने उनसे कहा, यू आर दैट मैन, तुम ही वह व्यक्ति हो। जब दिनाकरन ने इस आवाज को सुना तो वो दौड़कर पास्टर लमुएल के पास पहुंचे, अपने आत्मिक भाई पास्टर लमुएल से जाकर कहने लगे कि लमुएल भाई, ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक आवाज सुनाई दी है। ऐसा क्यों? मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु सामर्थ्य काम क्यों नहीं हो रहे? तब प्रभु ने कहा कि तू ही वह व्यक्ति है, इसका क्या अर्थ है मेरे भाई? तब प्रभु के दास पास्टर लमुएल ने कहा, मेरे भाई दिनाकरन सुनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 पद से लेकर 10वें पद के अनुसार आत्मा के 9 वरदानों के लिए प्रार्थना करो। जब तुम पवित्र आत्मा के इन वरदानों से भर जाओगे तब अद्भुत काम प्रभु तुम्हारे द्वारा करेगा। तब डीजीएस दिनाकरन ने 1 महीना लगातार प्रार्थना की। वो प्रार्थना करते रहा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भर दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई के वरदानों से भर दे, मुझे भविष्यवाणी के वरदानों से भर दे, मुझे अन्य भाषाओं के वरदानों से भर दे, उनके अनुवाद के वरदानों से भर दे, हर प्रकार का वरदान जो तेरी कलीसिया को मजबूत करेगा, तेरे लोगों को मजबूत करेगा, और दुख और परेशानियों में, पीड़ा में पड़े हुए लोगों को जिनके सर पर राख है प्रभु, उनके सर पर सहरा पहनाने के लिए जिन आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है, मुझे दीजिए प्रभु यीशु, मुझे वरदान चाहिए, आत्मा के 9 वरदान चाहिए। ऐसा वह 1 महीना प्रार्थना कर रहा था लगातार। वो कह रहा था प्रभु से, प्रभु मुझे भारत के लोगों को साबित करना है, इस देश के लोगों को साबित करना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैं सिर्फ कहने वाला और बोलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहता, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है प्रभु। 1 महीने लौ लगाकर प्रार्थना करता रहा डीजीएस दिनाकरन। लगभग 1 महीने के बाद एक दिन जब बैंक जाने का समय हुआ, सुबह सुबह नहाकर तैयार हो गए डीजीएस दिनाकरन, क्योंकि बैंक का जो समय होता है वह ऐसा होता है कि आपको उसी समय पहुंचना होता है, तो जल्दी से तैयार हो जाते थे डीजीएस दिनाकरन, समय से पहले हमेशा तैयार हो जाते थे, जहां भी पहुंचना रहता था वो बिल्कुल उसी समय पे पहुंचा करते थे, बहुत अच्छी आदत थी उनकी। और डीजीएस दिनाकरन जब अपनी घड़ी को देखते हैं तो देखते हैं कि 15-20 मिनट अभी बचे हुए हैं, बैंक जाऊंगा, बाहर जितने भी साथ में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनसे गपशप करूं, बात करूं, उससे बेहतर यह है कि मैं घुटनों में बैठकर प्रार्थना कर लेता हूं। बैंक जाने के लिए अभी 15 से 20 मिनट बचे हैं, 15 से 20 मिनट का मैं अच्छा सदुपयोग कर लेता हूं। यह सोचकर अपने उस छोटे से झोपड़ी नुमा घर के छोटे से उस किचन में, जहां पर उनकी माँ लकड़ियां जमा किया करती थी, वहां जाकर गुप्त रूप से एक छोटे से बोरे के ऊपर घुटनों में बैठ के डीजीएस दिनाकरन प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और जैसे ही डीजीएस दिनाकरन प्रार्थना कर रहे होते हैं, अचानक ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपस्थिति उन्हें घेर लेती है और प्रभु का आत्मा उन्हें स्वर्गीय दर्शन की ओर फिर से ले जाता है, स्वर्गीय आयामों की ओर ले जाता है। और वहां पे जब वो अपने आप को स्वर्गीय स्थानों में पाते हैं, तब वहां पर वो एक आवाज सुनते हैं और वह आवाज उनसे कहती है, यहां आओ बेटे,
खड़े हो जाओ मेरे पास। डीजीएस दिनाकरन ने जब देखा तो देखा कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मैं बाहर भी हूँ। अपने आप को ही प्रार्थना करते हुए देखा, वो अपनी आत्मा में से देख रहे थे अपने शरीर को प्रार्थना करते हुए। बगल में शरीर प्रार्थना कर रहा है और वो बाहर खड़े हुए हैं शरीर के। दूसरा कुरिन्थियों 12:1-4 के अनुसार जैसे पौलुस कहता है, ना जाने शरीर में, ना जाने शरीर के बाहर, ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित मैं स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया था। प्रभु यीशु मसीह की महान शक्ति के प्रभाव के द्वारा दिनाकरन को स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया और वहां पर उन्होंने दर्शन देखा। उस दर्शन का वर्णन करते हुए डीजीएस दिनाकरन इस प्रकार बयान करते हैं, मैंने देखा कि परमेश्वर का हाथ मुझे ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है, समय के पार उन स्वर्गीय स्थानों में ले जा रहा है। दिनाकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि परमेश्वर के उस हाथ ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के निकट पहुंचाया और प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठे हुए थे उन्होंने दिनाकरन से पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए बेटे, तुम्हें क्या चाहिए। तब दिनाकरन ने कहा, डीजीएस दिनाकरन ने कहा, प्रभु मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए। तब डीजीएस दिनाकरन बताते हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा डीजीएस दिनाकरन के लिए वकालत कर रहे हैं, प्रभु से डीजीएस दिनाकरन के लिए विनती कर रहे हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। प्रभु ये देखिए, एक जवान लड़का अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन में यहाँ खड़ा है और वो आपसे आत्मा के 9 वरदान मांग रहा है, इन्हें आत्मा के 9 वरदान दीजिए प्रभु। ऐसा पवित्र आत्मा डीजीएस दिनाकरन के लिए प्रार्थना करने लगा और उन्होंने कहा हम पिता के पास चलते हैं। और उसके बाद डीजीएस दिनाकरन बताते हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगम्य ज्योति की ओर परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हें ले गया और वो परमेश्वर सच में अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। डीजीएस दिनाकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, उसका रूप नहीं देखा, लेकिन बस एक एहसास था आत्मा में कि हाँ परमेश्वर वहां अपने सिंहासन पर है। और दिनाकरन बताते हैं अपनी गवाही में कि उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो गर्जना से युक्त थी, बड़ी सामर्थ्य और अत्यंत महिमामय आवाज थी और उस आवाज ने दिनाकरन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब पवित्र आत्मा ने दिनाकरन से कहा, ऐसा दिनाकरन को आत्मा में आभास हुआ कि पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि उनसे कहो कि मुझे आप चाहिए पिता, मुझे आप चाहिए पिता। इस बार डीजीएस दिनाकरन ने अपना स्टेटमेंट बदला और कहा मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए, ऐसा नहीं कहा पर कहा पिता मुझे आप चाहिए। उस महिमामय उपस्थिति में उनको ऐसा लगा कि पिता के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा उन्हें दिख रहा है और उन्होंने पिता के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह डीजीएस दिनाकरन को देखकर मुस्कुराए, डीजीएस दिनाकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों रंगों की रोशनी दिनाकरन के हृदय को आकर भेद गई। हम दुनिया में कहते हैं कि 7 रंग है लेकिन दिनाकरन ने बताया कि ऐसे ऐसे रंग थे, करोड़ों रंग थे और वो रंग आकर डीजीएस दिनाकरन को भेद गए। और जैसे ही डीजीएस दिनाकरन अपने होश में आए, अपने आपे में आए तो वो घुटनों में बैठे हुए थे, उनका पूरा वस्त्र उनके भीग चुके थे, वो पूरा पसीने से तरबतर हो चुके थे। जब उन्होंने घड़ी देखी तो लगभग प्रार्थना में बैठे हुए उनको 1-1.5 घंटे हो चुके थे। इस अद्भुत दर्शन के बाद वो तुरंत निकलते हैं बैंक की ओर, लेकिन बैंक में जाकर जब वो बैठे तो वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लगातार वो आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, परमेश्वर की वो दिव्य आवाज, परमेश्वर की वो सामर्थ्य आवाज बार बार उनकी आत्मा में गूंज रही थी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। उन्होंने अपने अधिकारी से बात की और कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए और उन्होंने अवकाश लेकर छुट्टी लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। घर जाकर वे सो गए क्योंकि वे बहुत ज्यादा थक गए थे। जब दिनाकरन सोकर उठे तो लगभग रात्रि का समय हो गया था और उनके मौसा जी जिन्होंने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था वो अपने परिवार के साथ आए हुए थे। अपने मौसा के साथ, अपने परिवार के साथ दिनाकरन प्रार्थना में बैठते हैं। डीजीएस दिनाकरन जैसे ही प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लहर उन्हें घेर लेती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर बहुत सारी भाषाओं में वे प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में वो प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं और उसका अनुवाद भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वे
कहते हैं। इस अनुभव से दिनाकरण डीजीएस दिनाकरण के मौसा और उनका पूरा परिवार चकित हो गया, क्योंकि उनके मौसा ने कहा कि मेरे बेटे जो कुछ भी तूने कहा वह सब मेरे विषय में था। मैं जिन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने इतने वर्षों से कर रहा था, जो ऐसी चीज़ें थी जो हमने किसी को नहीं बताई थी, वो तूने अभी अनुवाद के रूप में, अन्य भाषाओं के अनुवाद के रूप में हमारे सामने प्रकट किया। इस तरह से डीजीएस दिनाकरण को इस बात का कन्फर्मेशन हो गया कि वो जो करोड़ों रोशनी उनके भीतर आ गई वो वास्तव में पवित्र आत्मा के अद्भुत वरदान थे जो प्रभु यीशु मसीह ने डीजीएस दिनाकरण को दे दिए थे। इन पवित्र आत्मा के सामर्थी वरदानों को प्राप्त करने के बाद डीजीएस दिनाकरण की सेवकाई प्रारंभ होती है। आगे क्या हुआ, कैसे डीजीएस दिनाकरण की सेवकाई प्रारंभ हुई, उनकी सेवकाई, उनके जीवन में उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन तकलीफों से वो होकर गुजरे, कैसे प्रभु ने उन्हें ऊंचा उठाया और बढ़ाया, और भी ऐसी ऐसी अनसुनी घटनाएं और बातें डीजीएस दिनाकरण के विषय में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आज से तीन दिन बाद अपलोड होंगी। आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है, आज से तीन दिन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में जाकर चेक कीजिए, आपको इस वीडियो का अगला भाग मिल जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयार रहिए, तीन दिन बाद इसी गवाही का अगला भाग आ रहा। तब तक के लिए इस टेस्टिमनी को शेयर करते रहिए, अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए और लिखिए तीन दिन बाद अगला भाग आ रहा। प्रिंट कमेंट को चेक कीजिए, वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जिनके पास टेलीग्राम है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।